मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। और बेटा, आप सब घर पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो वी वर रीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पीनियल ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज लोकेटेड ऑफ फोर ब्रेन। ये तीनों ग्रंथियां हैं, ये फोर ब्रेन में स्थित है। इन सबकी मैं बात आपसे कल कर चुका था। ये कौन से हार्मोन सेक्रेट करती हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट होता है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटराइन हार्मोन सेक्रेट होता है, और पिट्यूटराइन हार्मोन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, कई हार्मोनों का समूह है, जिसे मैंने आपको बताया GGA BPTI, यानी जो पिट्यूटरी हार्मोन है एक ग्रुप ऑफ हार्मोन का समूह है। पीनियल ग्लैंड से आपने पढ़ा मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। मेलेटोनिन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी हार्मोन है, जिससे हमें 24 हावर्स डेलिदम, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड वेक साइकिल, तो ये ऐसे जो फंक्शंस हैं, मैचुरेशन साइकिल इन फीमेल, तो ऐसे जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। देन टुडे वी विल रीच नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स टॉपिक, थायराइड ग्लैंड। देखिए बेटा, थायराइड ग्लैंड्स, जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा, डायग्रामेटिकली देखिएगा, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है, और गले में भी कहा, जहां से हमारा एयर पाइप यानी श्वास नली यहां से निकलती है, श्वास नली के नियर से, या आप कह सकते हैं बिटवीन एयर पाइप, थायराइड ग्लैंड्स इज लोकेटेड बिटवीन यानी दोनों के बीच। हम कह सकते हैं कि जैसे फूड पाइप और एयर पाइप के बीच में, या हम कह सकते हैं कि नियर एयर पाइप, श्वास नली के पास गर्दन में स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड्स इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले पढ़ने वाली बात इसमें आप ये लिखेंगे कि थायराइड इज लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन, वो है थायराइड। और हम केवल इतना सा कहते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी तो वो होती है लिवर, एक स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो वो होती पिट्यूटरी। देन नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट आप इसमें यही लिखेंगे कि यह जो ग्रंथि है थायराइड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देन थायराइड ग्लैंड्स इज लोकेटेड, ये कहां स्थित है? गले में। थायराइड इज लोकेटेड located
नियर नियर नेक गर्दन के पास स्थित है। इससे जो हार्मोन निकलता है हार्मोन का नाम है इट सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन में क्या होता है आयोडीन होता है। यदि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सेक्रेट नहीं होगा, और यदि थायरोक्सिन की कमी हो गई तो बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी और उससे गाय का रोग हो जाता है। कौन सा रोग? गाय का डिजीज, गाय का। जिसे कहते हैं गलगंड या गहरा रोग। तो टॉपिक डालिएगा थायराइड ग्लैंड्स और इसमें लिख दीजिएगा दो लाइन। लिखना पहली लाइन का आपको मैं लिखा चुका हूं, थायराइड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड इज ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकेंड लाइन लिखेंगे, इट इज लोकेटेड या थायराइड इज लोकेटेड, थायराइड इज लोकेटेड नियर नेक, नियर नेक इन द बाइंड पाइप। इन द बाइंड पाइप कहते हैं श्वास नली, श्वास नली के पास गर्दन में स्थित होती है। थायराइड इज लोकेटेड नियर नेक इन द बाइंड पाइप। नंबर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थायराइड सेक्रेट हार्मोन या इट सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। एक लाइन में देना, आयोडीन इज रिक्वायर, आयोडीन इज रिक्वायर्ड for the production, required for the production of thyroxine hormone. इन thyroxine hormone को स्थापित करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। देन नीचे एक लाइन लिखना, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यदि इसकी कमी हो गई क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी कहते हैं बेटा कमी को, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ब्लड कैन लीड टू डिजीज कॉल्ड गॉइटर। यदि ह्यूमन के ब्लड में आयोडीन की कमी हो जाती है या थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो गॉइटर डिजीज हो जाता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ब्लड कैन लीड टू डिजीज कॉल्ड गॉइटर। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स है वो इनलार्ज यानी बड़ी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, सूजन आ जाती है। इस विकार को कहते हैं, इस डेफिशिएंसी को कहेंगे गाइटर। गाइटर में मतलब ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, तो इसमें क्या थायराइड जो टॉन्सिल एक गाइटर नहीं है लेकिन प्रारंभ यही से होता है। इसकी जो प्राइमरी स्टेज है उसमें जो थायराइड ग्लैंड्स है थायराइड को इंक्रीज होने लगती है, ठीक है।
इन लार्ड होने लगती है और ये पूरा जो भाग है फूल जाता है और ऐसे गलगंड या राइटर कहते हैं इसको, ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, रोल ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के रोल क्या है हमारी बॉडी में वो आप लिखेंगे, रोल ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का रोल क्या है, तो देखिएगा यदि हम पहली बात करें, थायरॉक्सिन हमारे बॉडी की जो रेगुलेटरी है या हमारे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज एनाबॉलिज जो रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो नंबर वन यानी बॉडी मेटाबॉलिज जो रिएक्शन है बीएमआर, उसको रेगुलेटेड करता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना, दे हेल्प पहला पॉइंट, दे हेल्प ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, इसे कहते हैं बीएमआर को रेगुलर बनाए रखना। दे हेल्प ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, देन सेकेंड दे सपोर्ट, सेकेंड क्या काम है नेक्स्ट, दे सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दे सपोर्ट, यानी देखो थायरॉक्सिन का काम क्या है, सबसे पहला काम कि जो हमारी बॉडी के अंदर उपापचयी क्रिया होती है जिसे कहते हैं बीएमआर इस फुल फॉर्म में बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन, बॉडी के अंदर शरीर की जो उपापचयी क्रिया है उनको रेगुलेशन यानी उनको नियमित बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा दे सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड, हमारे रुधिर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है लाल रुधिर कणिका है उनके फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है या सहायक होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट डाले और लिखे, दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। ठीक है, कंप्लीट थायराइड ग्लैंड, देन नेक्स्ट साफ कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैरा थायराइड ग्लैंड। देखिए पैरा थायराइड ग्लैंड यदि देखे हम तो पैरा थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन थायराइड,
या डॉर्सल सरफेस या बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि के पोस्टीरियर पार्ट पर पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, तो द नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड्स देखिए, पैरा थायराइड ग्लैंड। इट इज ग्लैंड 4 नंबर, ये संख्या में 4 होती है। पैरा थायराइड ग्लैंड्स इज 4 नंबर, ये देयर आर 4 इन नंबर, ये संख्या में 4 होती है। These are 4 in number. These are 4 in number. तो संख्या में 4 होती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि जो संख्या में 4 है, यदि आप देखें तो जैसे मान लो ये वाइट पाइप है, श्वास नली, और इस श्वास नली के इस पार्ट एक तो ग्रंथि यहां पाई जाती है, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, तो दीज आर 4 इन नंबर। थायराइड ग्लैंड्स के अंदर ही लगभग 4 संख्याओं में ये पैराथायराइड पाई जाती है। तो हम कहेंगे पैराथायराइड इज लोकेटेड इन थायराइड ग्लैंड्स। इट सेक्रेट हार्मोन पैराथार्मोन या पैराथायरॉक्सिन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका पोस्टीरियर पार्ट है। इट इज हम कह सकते हैं कि पैराथायराइड इज लोकेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। पहला पॉइंट तो आपने लिखा कि दीज आर 4 इन नंबर। सेकेंड, पैराथायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड्स में जो पोस्टीरियर पार्ट है पश्चिम भाग है उसमें ये स्थित होती है। वन पेयर इज इन द टू लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, और ये दो लॉब्स एक एक जोड़ी के रूप में ये थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। इट रेगुलेटेड द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। पहले तो हम इसके हार्मोन की बात करेंगे। इसका जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं पैरा हार्मोन। तो हम इस नई लाइन और लिखेंगे, इट सेक्रेट, इट सेक्रेटेड हार्मोन हार्मोन कॉल्ड पैरा हार्मोन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? नंबर वन फंक्शन कि पैराथार्मोन इज रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। फंक्शन लिखे इसका पहला, पैराथार्मोन इज रेगुलेशन, पैराथार्मोन इज रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। देखिएगा, यानी ये जो पैराथार्मोन है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन का नियमन करता है। पैराथार्मोन
इज रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, हमारे रक्त में यह कैल्शियम का नियमन करता है। डेफिशिएंसी कार्ड, यदि मान लो इस पैराथार्मोन की कमी हो गई तो हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ पैराथार्मोन इन ब्लड ड्यू टू डिजीज ऑफ टैटिनिज। देखिएगा, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी पैराथार्मोन पैराथार्मोन इन ब्लड, ब्लड में हार्मोन की कमी हो जाने पर डेफिशिएंसी पैराथार्मोन इन ब्लड इज कॉल्ड डिजीज टेटिनी डिजीज हो जाती है। देखिए, यदि पैराथार्मोन की कमी हो जाती है ब्लड में तो टेटिनी रोग हो जाता है, टेटिनी रोग हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस हमें क्या याद रखना है पैराथायरॉइड में कि पैराथायरॉइड ग्रंथि है वो संख्या में चार होती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि के पोस्टीरियर पश्च भाग पर पाई जाती है, थर्ड पॉइंट, इट्स सेकेंड हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन। पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन सेक्रेट होता है। हार्मोन का नाम क्या है? पैराथार्मोन। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये पैराथार्मोन है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का नियमन करता है। कैल्शियम आयन आप कैसे लिख सकते हैं? Ca+2, ये होता है कैल्शियम आयन। तो पैराथार्मोन इज रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, ये ब्लड में कैल्शियम आयन की भी नियमितता बनाए रखता है। देन नेक्स्ट, यदि पैराथार्मोन की ब्लड में कमी हो जाती है तो इससे टैटिनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टैटिनी रोग हो जाता है। देन नेक्स्ट, ये तो बात की थायराइड और पैराथायराइड। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस, देखिए थाइमस ग्लैंड, सबसे पहली बात नॉर्मल जानकारी सबसे पहले कि ये जो ग्लैंड्स है ये हार्ट के पास पाई जाती है, हृदय के पास पाई जाती है। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट बाय थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये छोटे बच्चों में देखें तो ये बड़ी होती है, विकसित होती है, लेकिन जैसे जैसे आफ्टर पुबर्टी यानी किशोर अवस्था के बाद यानी धीरे धीरे बड़े होने पर ये जो थाइमस ग्लैंड है ये सिकुड़ जाती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्गन यानी अवशेष अंग के रूप में। तो टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स में आप थोड़ा सा लिख देंगे, इसमें पहली लाइन तो आप ये लिखोगे इट इज लोकेटेड, पहला पॉइंट, इट इज लोकेटेड नियर ऑफ द हार्ट, नियर ऑफ द हार्ट यानी यह ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। आपके सिलेबस में क्या देखिए, योर बॉडी ऑल्सो पास इन द ग्लैंड्स विच स्टार्ट फंक्शन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ, यानी इसका जो प्रारंभिक कार्य है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। जब भ्रूण अवस्था होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज तो ये ग्रंथि अपना काम करती है। वी कम एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड अंडरगोस रिग्रेशन एंड ग्रेजुअली स्टॉप फंक्शन आफ्टर एडोलेंस, इट इज नॉन एज थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस प्रोड्यूस हार्मोन थाइमोसिन दैट इम्पार्ट रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन, हाउ एवर इट कंटिन्यू टू बी द प्रोडक्शन
सेंटर ऑफ लिम्फोसाइट। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट आपने लिखा इट इज लोकेटेड नियर ऑफ द हार्ट, ये ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। सेकंड, यह ग्रंथि यदि देखें तो इट इज ग्लैंड्स कंप्लीटली डेवलप इन चाइल्डहुड या एम्ब्रियो टू चाइल्डहुड। इट इज ग्लैंड complete function in childhood, यानी इसके जो कार्य हैं केवल वो बचपन तक ही होते हैं। After adolescence या after puberty, these glands are decreased। हम कहेंगे नंबर थर्ड, after एडोलेंस या आपका पुबर्टी किशोर अवस्था के बाद या यौवन आरंभ के बाद आफ्टर पुबर्टी या एडोलेंस आफ्टर पुबर्टी दिस ग्लैंड्स आर डिक्रीज, ये ग्रंथि डिक्रीज हो जाती है यानी धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है, कंप्रेसिव होने लगती है। अब इसे हार्मोन कौन सा निकलेगा ये भी लिख लें आप, तो इट सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, तो आफ्टर पुबर्टी धीरे धीरे ग्लैंड डिक्रीज हो जाती है, हार्मोन थाइमोसिन स्टार्ट करता है। और ये जो यदि देखें प्रमुख हार्मोन का कार्य है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लिम्फोसाइट सेल है उनको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको थायराइड पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड को कम्प्लीटली पढ़ा। अभी बेटा कुछ ग्लैंड्स और हैं, अभी आपके एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज ग्लैंड्स, टेस्टिस और ओवरी, अभी आपके सिलेबस में चार ग्लैंड्स और बची है जिनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। आज की वीडियो में आपको मैंने तीन ग्लैंड्स, तीनों से निकलने वाले हार्मोन और उनके फंक्शंस की बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो कंप्लीट जो भी ग्लैंड्स हैं उनको कंप्लीट करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आप जैसा आपको बताया आप इन टॉपिक्स को करते रहें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, जो पीडीएफ भेज रहे हैं उसमें से करें, लर्न करें और कंटिन्यूस आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूटी में रखें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स।